kasan donoha dumba. शासवार छोड़ के आगे झुक जाएंगे तेरी कोनिया माता जमीन पर। दोनों हाथ साइड से नीचे, ये हो गया शशकासन। इससे दिमाग भी अच्छा रहता है। सबको थोड़ा झुकना चाहिए। सुबह उठते ही मैं तो झुकता हूँ। सब मेरे साथ बोलिए, माता भूमि ही, पुत्रो हम पृथिव्याः, मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा, राष्ट्र देवो भवा। सुबह उठ करके, भोर में उठ करके, मैं सबसे पहले ऐसे धरती माता को प्रणाम करना, माता पिता गुरु सत्ता ऋषि सत्ता को प्रणाम करना। इससे ना एक तो अपना दिमाग ठीक रहता है, एक अपनी हेल्थ ठीक रहती है, और मातृभूमि के प्रति, माता पिता गुरु सत्ता ऋषि सत्ता के प्रति अपनी श्रद्धा रहती है। चलिए पैर सीधे कर लीजिए। अब जो बैठ सकेंगे वो पद्मासन में बैठ जाएंगे, और जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठ जाएंगे। योग मुद्रासन करेंगे। क्या है आसन का नाम बोलिए? लेफ्ट ऐसे, राइट उसके ऊपर ऐसे। ये पेट के लिए, पेनक्रियास डायबिटीज के लिए जरूरी है। मैं अपने देश को डिजीज फ्री देखना चाहता हूँ, ड्रग फ्री देखना चाहता हूँ, वायलेंस फ्री देखना चाहता हूँ, पॉवर्टी फ्री देखना चाहता हूँ, इलिटरेसी फ्री देखना चाहता हूँ। इसके लिए लोग तरह तरह के अभियान चलाते हैं। सब प्रकार के अज्ञान से, दुख से, दरिद्रता से, रोगों से, नशा से मुक्त भारत बनाना है तो योग को अपनाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। बड़ा संकल्प है ये, डिजीज फ्री इंडिया, ड्रग फ्री इंडिया, वायलेंस फ्री इंडिया, पॉवर्टी लिटरेसी फ्री इंडिया। ये किससे बनेगा? योग से। कितना बड़ा सत्य है। पाया नहीं, दाएं ऊपर, सांस बाहर आगे झुकेंगे, सांस बाहर छोड़ के और थोड़ी जमीन पर टिकाएंगे। ऐसे मेरे साथ साथ करना। बहुत जबरदस्त है। आहा, सारे मसल से एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। आगे झुको झुको झुको, थोड़ी टिकाओ। सुखासन में बैठ के कोशिश तो करो भाई साहब, मोटे हो तो क्या बात हुई, कोशिश तो करो। थोड़ा थोड़ा झुको, थोड़ा थोड़ा ऐसे झुक झुक के लगाओ, झुक झुक के थोड़ी लगेगी। वापस। अब तो मौसम भी अच्छा हो गया, सूर्य उदय हो गया है, गर्मी आ गई है, और ये सुबह सुबह की सूर्य की किरणें, एक घंटा सूर्य की किरणें सबको लेनी चाहिए। जो एक घंटा सूर्य की किरणें नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा? विटामिन डी की डेफिशिएंसी, उससे क्या होगा? अर्थराइटिस, उससे क्या होगा? SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर भी हो सकता है। इसलिए कितनी देर रहना सूर्य की धूप में? कम से कम एक घंटा सूर्य की धूप में सुबह सुबह रहो। ये जो किसानों को ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती, मजदूरों को नहीं होती, सेठ लोगों को होती है, धूप में बैठते ही नहीं है। एक घंटा सुबह का सूर्य सबसे अच्छा, सुबह या शाम का सबसे अच्छा होता है। पहले तो लोग तपस्या करते थे धूप में बैठ बैठ के। तो ये हो गया ना, पेट गड़बड़ है। तो मैंने बोला था ना, क्या लेना रात को? त्रिफला, त्रिफला छोटी सी औषधि है। तो तय कर लो, अपनी डायरी में नोट कर लेना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, त्रिफला,
ये तो आपको बनी हुई चीजें हम दे देते हैं। हल्दी तो कोई ना कोई साग सब्जी में ले ही लेते हो आप लोग, नहीं तो दूध में डाल के ले लिया करो, थोड़ा हड्डियां मजबूत मसल्स मजबूत हो जाएंगे। ये पांच औषधि रोज सेवन करना, क्या बोला, आंवला, एलवेरा, गिलोय, तुलसी, त्रिफला, ये पांच औषधि पंचामृत बता दिया आपको, सब ले सकते हैं, सबको उपलब्ध। कैंसर वालों के लिए हम पांच चीजें अलग बताते हैं, एलवेरा जूस, वीटग्रास जूस, गिलोय जूस, तुलसी पत्र, गोमूत्र, ये पंचामृत कैंसर के रोगियों के। ये आगे ऐसे हाथ लगा के और थोड़ी जमीन पर टिकाते हैं ना, पूरा पेट एकदम सेट हो जाता है। एक बार फिर से करके देखो, देखो ऐसे पेट को ऐसे ऐसे करना, फिर आगे झुकने के बाद पूरा पेट एकदम सेट। जो आगे से नहीं कर पाए ना, हाथ देखो पीछे बांध लो और पीछे ऐसे लगा के आगे झुक जाओ, थोड़ा सुविधा रहेगी। फिर वापस। ये किसी किसी की ना नाभि बहुत डिस्टर्ब रहती है, पेट फिर गैस बनती है, ये पेट के लिए बहुत अच्छा और पेनक्रियास डायबिटीज के लिए। आगे झुकना योग मुद्रासन, पीछे झुकना, पीछे झुक करके ऐसे लेट जाओ, वो ऐसे लेटना, दो तरीके, एक तो ऐसे पकड़ के ऐसे लेटते हैं ये, और ऐसे करते हैं। एक ऐसे लेट जाओ, पीछे झुकने से ना पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। एक तो ऐसे गर्दन मोड़ के झुकना, एक ऐसे झुक जाना, तो उससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है, सारी नस नाड़ियां एकदम खिंच जाती है। ऐसे वज्रासन में बैठ के पीछे झुक जाना, श्वास को बाहर छोड़ के पेट को खींच देते हैं ना, पूरा सेट हो जाता है। बैठ के क्या करवाया, मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रा आसन, अब बाकी है दो आसन। पैर सीधे, दाया पैर को राइट लेग को ऐसे मोड़ लीजिए। देखो ये 100 साल जीने का तरीका बता रहा हूं, नहीं तो बुढ़ा बुढ़िया परेशान, बहू बेटे के साथ, बेटी दूसरे घर में, यहां अकेले बूढ़ा बूढ़ी रोते रहते हैं। अपने तबीयत को, अपने तन को, अपने मन को अच्छा रखो, खुश रहो। राइट लेग को बेंड किया, लेफ्ट हैंड को ऐसे डालिया और ऐसे घूम जाइए। फिर बहुत अच्छा है पेट के लिए, पीठ के लिए, पेनक्रियास के लिए, घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ, वक्रासन। समझ में आया, पूरी कमर घूम जाती है ऐसे, गर्दन के पीछे देखते हैं। फिर पैर सीधा कर दो दूसरी ओर से, लेफ्ट लेग को बेंड किया, राइट हैंड को ऐसे डालना और ऐसे घूम जाना, कितना अच्छा है ना, ऐसे घूमो, जिधर का पैर मुड़ा है ना उधर के गर्दन के पीछे से ऐसे देखना है, ऐसे घुमा के कंधे के ऊपर से ऐसे 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 देखो, पूरा घूम जाओ। Thank you.
आपको तो सरल वाला बताया, इसमें कठिन वाला होता है अर्धमत चंद्रासन। बाएं पैर मोड़ा, फिर दाएं उसके बाहर रखा और ऐसे हाथ को ऐसे लेके इसको ऐसे पकड़ते हैं और फिर ऐसे घूमते हैं। ये तो आपको बताया ही नहीं। बोले बाबा ये तो पता ही नहीं लगा किधर घूम गए। चलो अब लेफ्ट लेग को बेंड करो, राइट उसके ऊपर रखो। लेफ्ट को बेंड किया, राइट को ऊपर रखा, राइट हैंड ऊपर से लिया, लेफ्ट हैंड पीछे से लेंगे और पकड़ लेंगे। पकड़ो, पकड़ के रखो। मैं तो धीरे धीरे कंधे जाम हो जाएंगे, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्प्लाइटिस, पेन, ये बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। एक पोस्चर में कितनी देर रुकना, कम से कम 30 सेकेंड्स और अभ्यास के बाद 1 मिनट, तो पूरा बेनिफिट होगा। प्राणायाम में तो 5 मिनट का एक राउंड होता है, इसका 1 मिनट का एक राउंड होता है। दूसरी ओर से ये बहुत जरूरी है। अब पूरा ये 10 अभ्यास हो गए। एक बार मैंने करना छोड़ दिया तो मेरे ही पकड़ में नहीं आया, अरे मन का गड़बड़ है। कमर के लिए इसका नाम है मकरासन। अब भुजंगासन के 4 पोज, थोड़ी जमीन पर दोनों पैर पीछे पास में। भुजंगासन का फर्स्ट पोज ऑफ भुजंगासन, स्नैक पोज फर्स्ट। इसके 4 पोजेस होंगे, 4 पोजेस होंगे। नाभि तक उठाए, देखो नाभि तक ऐसे, कमर थोड़ी ऐसे, देखो कोहनियां झुकी, कोहनियां सीधी नहीं होगी, थोड़ी बैंड। नाभि तक उठा दे, पैर पीछे पास। ये पहला पोज है। अब दूसरे पोज में दोनों हाथ थोड़ी के नीचे पूरा उठा देंगे, ये दूसरा पोज होगा। ऊपर देखते, ऊपर ऊपर, कितना जबरदस्त स्ट्रक्चरल बैलेंस है। तीसरा पोज, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, पैर पीछे खुले हुए, डिस्टेंस लेग्स में, सामने से उठाइए और दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर के हिल को देखिए, राइट शोल्डर से लेफ्ट लेग के हिल को देखना। फिर नीचे आ जाओ, फिर उठाइए एक। अब लेफ्ट शोल्डर से राइट लेग के हील को देखना, ऐसे कंधे के ऊपर से, कंधे के ऊपर से देखो, कुछ तो नीचे से देख रही, ऊपर से देखना। पैर पीछे घुटन एड़िया सीधी खुली हुई, पैर पीछे, फिर नीचे। समझ में आया? ऊपर से नीचे तक पूरा स्ट्रेचिंग हो जाता है। फोर्थ पोज भुजंगासन का, ऐसे उठा दीजिए पैर पीछे जमीन, ऐसे सलभासन के भी 4 पोज है। डाइवर को उठाना, 2-3 घुटना सीधा, पंजातना हुआ, सलभासन का फर्स्ट पोज। जिनको कमर में दर्द है थोड़ी देरी रोकना, ज्यादा देर नहीं। फिर दूसरा पोज है इसका, दोनों पैरों को उठा देना, लेकिन कमर में दर्द है तो दोनों पैर नहीं उठाते, दाहिना हाथ सामने, बाया हाथ पीछे कमर के ऊपर, सामने से दाया हाथ, पीछे से बाया पैर उठेगा, क्रॉस करके उठाना, ऐसे क्रॉस करके, क्रॉस करके, राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग को ऐसे क्रॉस करके उठाएंगे, पीछे वाला हाथ कमर के ऊपर सीधा,
उधर दूसरी ओर से। फिर दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर सामने से उठा लेना, जरा पीछे से भी उठा देना। ये चारों पोज करवा दिए आपको सर्वासन। अब धनुरासन, धनुरासन। अब सीधे लेट जाएंगे। कमर के लिए आपको अभ्यास बताए बैठ करके, उल्टे लेट करके, अब सीधे लेट करके। मरकट आसन सबसे पहला अभ्यास, बहुत जरूरी। हाथ कंधों के बराबर, घुटने पंजे पास में, दाहिनी तरफ पैर बाईं तरफ गर्दन। ये कल भी बताया था, आज भी करवाया आपको, मोटापा में भी करवाया था। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। आराम आराम से करना। कमर में दर्द होने पर पहले 5-10 सेकंड ही करना चाहिए, 5-10 सेकंड करके, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहिए। मरकटासन के 3 पोज हैं, जैसे भुजंगासन, सर्वासन के 4-4 पोज बताए थे ना, ऐसे इसके 3 पोजेस हैं। घुटने पंजों में डिस्टेंस, नीज में और आपके फेस में डिस्टेंस होता है, ऐसे फिर ऐसे। फिर दूसरी तरफ से पैर सीधे, मरकट आसन का 3रा पोज, 3rd पोज ऑफ मरकट आसन। दाहिने पैर को उठाते हैं, बाएं तरफ ले जाते हैं, राइट हैंड को, राइट लेग को लेफ्ट हैंड के पास, ये राइट हैंड ऐसे जमीन पर। गर्दन राइट साइड में, लेग को लेफ्ट साइड में लेके गए हैंड के पास, ट्राई करते हैं टच करने की ऐसे, फिर वापस। फिर लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट हैंड के पास लेके आएंगे, ऐसे कोशिश करेंगे ऐसे टच करने की, पकड़ने की ऐसे। वापस। मरकट आसन के बाद अर्ध पवन मुक्तासन। एक पैर को मोड़िए, कमर में दर्द है तो सिर नहीं उठाते, खाली पैर को दबाते, घुटने को छाती से लगा दिया, ऐसे आराम से करते, धीरे 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 5-10 सेकंड धीरे धीरे बढ़ाते हैं टाइम। फिर दूसरे पैर से अर्ध पवन मुक्तासन, एक एक पैर के बाद दोनों पैरों से, सिर नहीं उठाते कमर में दर्द होने पर। अब एक पाद उत्तान आसन, एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, ये कमर दर्द के लिए बहुत जरूरी रहता है। पहले धीरे धीरे करवाएंगे, कमर दर्द ज्यादा होने पर तो थोड़ा थोड़ा ही कराते, 5 सेकंड से ज्यादा तो हो भी नहीं पाता, दर्द बढ़ जाता है। फिर कंधरासन, सेतु बंधासन, ये भी कमर के लिए अच्छा है, ये ऐसे। और एक कटि उत्तान आसन लास्ट, ये 12 पोजेज हो जाएंगे, फिर सूक्ष्म व्यायाम, और फिर 12 पोजेज आपको बता दिए कमर के लिए। कमर को पूरा ऊपर तान देना, फिर नीचे दबा देना, एड़िया जमीन पर, कुल्ले भी जमीन पर, सिर भी जमीन पर, कमर पूरी उठ जाती है, फिर दबा देते हैं। फिर लास्ट में सवासन, ऐसे सवासनों के अंत में 2-3 मिनट का सवासन अवश्य करना चाहिए। अब बाएं करवट लेते हैं, देखो बहुतों को 7 बजे के बाद ड्यूटी पर जाना होता है, तो भी मुझे बहुत कुछ सिखाना था, आज वक्त बहुत हो गया, तो बच गया उसको कल सिखाएंगे। एक बार सभी खड़े हो जाएंगे। आपको मैंने बताया था कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा होता है सूर्य नमस्कार। जिनको मोटापा है, एक बार मोटापा कम कर लिया उसके बाद उसको बैलेंस रखना है, तो ये फिजिकल फिटनेस के लिए, ऑबेसिटी के लिए, बॉडी को अच्छा रखने के लिए, स्ट्रेंथन बनाने के लिए, बॉडी की अच्छी शेप के लिए, और
बहुत अच्छा है, सूर्य की तरफ ही मुंह करके कर लो, अब तो सूर्य उदय हो गया है ना। तो आइए श्वास अंदर भर के हाथ पीछे ले जाएंगे, फिर श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे, आगे झुको और माथा घुटनों से लगाओ, फिर दाहिने पैर पर बैठ जाओ, दाहिने राइट लेग के ऊपर रेस्ट करेंगे, फिर राइट भी पीछे, फिर झुक गए आगे, फिर उठ गए सामने से, फिर बीच से, फिर लेफ्ट लेग आगे, फिर राइट भी आगे, फिर ऊपर, फिर सामने, देखो ऐसे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इधर देखो मेरी तरफ, हाथ ऊपर जाते हैं ना तो ऐसे जाते हैं, ये स्टाइल होता है, पहले ऐसे फिर ऐसे, ऐसे जाते हैं, ऐसे हाथ जाएंगे, ऐसे 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 खोलते हैं, ये तरीका होता है, फिर वापस आते हैं तो हाथ, देखो देखो ऐसे लास्ट पोजीशन में, ऐसे तरीके से करो, ये पहला पोज, फिर दूसरा पोज ऐसे, फिर तीसरे पोज में आगे झुकते हैं, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाते हैं, दोनों हाथों को पंजों के साइड में टिकाते हैं, फिर राइट लेग के ऊपर रेस्ट करते हैं, दोनों हाथ बीच में थे ना, एक तो वहीं रखा, दूसरा पीछे ले गए और ऐसे बैठ गए, पैरों को नहीं हिलाएंगे, पैर वहीं रहेंगे, एक पैर वहीं था, दूसरा पीछे गया, कमर झुक गई पूरी, पीछे वाला पैर सीधा, अब ये पीछे चला गया घुटना सीधा, सिर झुका के नाभि को पेट को देखेंगे, एड़ी जमीन पर टिक गई, अब देखो घुटने घुटने जमीन पर, छाती छोड़ी भी जमीन पर, पेट ऊपर रहेगा, ये भी टच करते रहेंगे, छाती छोड़ी नीचे, आराम नहीं करना, ऐसे उठना, ऐसे अंदर, फिर ऐसे उठना, कुछ तो नीचे जाके पड़ ही जाते हैं, नीचे पड़ना नहीं है, छूना टच करना है, फिर बीच से उठ, फिर लेफ्ट आगे, लेफ्ट लेफ्ट आगे, फिर राइट आगे, दोनों पैर जहां थे वहीं वापस आ गए, माथा घुटनों से लगा, फिर हाथ ऊपर, फिर ऐसे आए, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे, ये तरीका है, अब मैं थोड़ा फास्ट करूं, मीडियम स्पीड, एक श्वास एक और ध्यान, एक श्वास एक अभ्यास, और अब अपनी नेचुरल स्पीड से करता हूं, ऐसे करना आप फिर धीरे धीरे, बैलेंस आ जाएगा पूरा, चलो योगिक जोगिंग ही कर दिया करो, थोड़ा करवा दे, We'll be right back.
ओम नाम जप ले हरि नाम जप ले मनवा क्यों घबराए, एक वही पार लगाए प्रभु ही पार लगाए, प्रभु ही पार लगाए, प्रभु ही पार लगाए। ओम नाम जप ले हरि नाम जप ले मनवा क्यों घबराए, एक वही पार लगाए प्रभु ही पार लगाए। बंधन को काटे देखो, ये जोगी जोगी पूरी स्पीड से करते हैं तो दो मिनट लगते हैं, बारह दिन आठ मिनट है जो लैसे उसमें दो ही कर लेना। एक तो ये दस बार तो ये कर लेना, ये पूरे लैस के जो मसल्स है ना बहुत सुंदर बन जाएंगे। एक दंड एक बैठक दो ही बताते हैं, ठीक है? दस बार तो ये करना है और पचास बार फिर वो करना है मिसल दंड, ठीक है? चलो करो। झूठे सारे जग के नाते कैसे जग बंधन को काटे, एक ही सच्चा नाता जग में, एक ही सच्चा नाता जग में, सब अर्पण उसे के चरणन में। हर पल ये मन हर पल ये मन प्रभु के ही गुण गाए, एक वही पार लगाए, एक वही पार। बैठो 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 बैठो, लास्ट 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 करना है, ऐसे बैठो। ए भुजाएं तो मजबूत होनी चाहिए, कहिए दो चलो दो, रोज ऐसे पचास बार करना। हर हर पल ये मन हर पल ये मन हर पल ये मन प्रभु के ही गुण गाए, वही पार पार लगाए, प्रभु ही पार लगाए। आप तो कर ही नहीं रहे, एक कर लेना या तो ये कर लेना जो अभी बताया, इसका नाम है मिश्र दंड। क्या नाम है? जवानों के लिए। या फिर ऐसा कर लेना, ऐसे करके ये 25-50 बार कर लेना। ऐसा कर लेना 50 बार, मैं तो करके आया था आपके लिए एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ऐसे किया करो, करोगे ना तो फिर बलवान बनो। ये भुजाएं मसल्स पूरी बॉडी मजबूत बनेगी। चलो सिंहासन करो। चलो शेरो, फिर लास्ट में होता है ना हास्यासन। दोनों हाथ उठा के मस्ती से
हंसो हंसो। तो ऐसे मस्त रहना।